आज मैं बना रही हूँ बरवा टिंडे। चलिए आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। वेलकम बैक माय चैनल सक्कू हरियाणवी। आप सब लोगों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्ते। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखो मैंने छोटे छोटे कच्चे कच्चे टिंडे लिए हैं, साइज़ में बिल्कुल छोटे छोटे हैं ही। इनको छील लूंगी अच्छे से। सभी टिंडों को मैंने छील लिए और छील कर उसमें कट लगा लिया। और ये मैंने टमाटर, लहसुन, हरी मिर्च, प्याज सब तैयार कर लिया काट के। चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। ये मैं लहसुन को भी कूट लिया, बारीक कूट लूँगी इसी में, जैसे अदरक कूटने का है, पर मैंने लहसुन भी इसमें इसी में कूट लिया। और ये मैंने दही लिया, दही में मैंने सारे मसाले, बेसिक मसाले डाल दूँगी और कुछ देर रख दूँगी ताकि मसाले सारे फूल जाए। जब तक मैं छौंक तैयार करूँगी इतने मसाले फूल जाएंगे। मसालों को दही में फूल आते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैं खटाई नहीं डालती, थोड़ा दही ले लेती हूँ। ये स्वाद के अनुसार सारे मसाले मैंने दही में डाल दिए। अब इसको मिला लूँगी और जब तक छौंक तैयार होता है ये फूलते रहेंगे, इसमें अच्छे से फूल जाएंगे मसाले। इसको मैं एक साइड रख देती हूँ। चलिए अब गैस की साइड चलते हैं। ये मैंने सरसों का ऑयल ले लिया, उसमें मैंने जीरा डाल दिया, थोड़ी सी मैंने हींग डाल दी और ऑयल गर्म होने के बाद जो मैंने बारीक बारीक प्याज काट रखे थे वो इसमें मैं डाल दूंगी। थोड़ा काला जीरा भी डाला है मैंने, सफ़ेद जीरा, काला जीरा और हींग। जब ये भून जाए तो मैं इसमें प्याज और हरी मिर्च डाल दी। अब इनको अच्छे से भूनूंगी। ब्राउन होने तक इसको, प्याज को मैं भून लूंगी। जब प्याज भून जाएंगे तो जो मैंने मसाला फुला रखा है दही में वो मैं इसमें, जब ये ब्राउन हो जाएंगे प्याज तब इसमें डालूंगी। थोड़ा लहसुन जो कूट के रखा था वो भी मैंने डाल दिया। अब लहसुन को भी साथ में ही भून लूंगी। लहसुन भी भून चुका और प्याज भी भून चुकी। बस कच्चा पानी निकालना होता है, बाकी तो मसाले के साथ ही भून जाएंगे। ये मैंने मसाला डाल दिया और इसको भून लूँगी जब तक ये ऑयल ना छोड़ दे। बहुत अच्छा कलर आता है सब्जी में ऐसे।
ये देखिए आप तेल छोड़ दिया। टमाटर मैं हमेशा मसाले के बाद डालती हूँ तो उससे सब्ज़ी में अच्छा कलर आता है। अब मैंने ये टमाटर डाल दिए। टमाटर को मैंने छील के कट किया है, मुझे छील के बच्चे हमारे खाते नहीं है छिलका, जब सब्ज़ी में छिलका आता है तो ये नखरे करते हैं बच्चे। ये मैंने साबुत कट लगा के हरी मिर्च डाल दी और जो टिंडे मैंने कट करके रखे थे बीच में से वो डाल दिए। और इनको हल्की सी सीटी लगवाई थी, पूरी सीटी नहीं लगवाई थी, और ये सब्ज़ी हमारी तैयार हो गई। देखिए आप कितनी अच्छी सब्ज़ी बनी है। आप सब लोगों का दिल से शुक्रिया, आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी और साथ तक आप लोग बने रहे, सबका शुक्रिया, थैंक यू।